नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश युवरकर और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में इंक्वायरी हो गई स्टार्ट। सीधे सीधे उन लोगों के नाम आ रहे जो लोग के नाम आपने सुने थे, उन लोगों के ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई जिनके ऊपर जिनके नाम सामने आ रहे थे। उनमें जो कुछ बॉलीवुड के है, एक पॉलिटिशियन है और बाकी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिस बारे में आप सबको पता है कौन कौन है, क्या क्या है। अब पूरे किस तरह से चालू हुई है इन्वेस्टिगेशन और कौन से नाम है, मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। कोई बात नहीं है, क्योंकि अब केस की बात सच है कि सरकार बदल चुकी है, मीडिया सामने आई है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि डरने के, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एक बार मीडिया ने उसका पूरा का पूरा ले लिया 4-6 महीने, उसके बाद वापस से कई साल बाद वापस से मीडिया स्टार्ट हुआ। ऐसा बहुत ही कम रेयर केसेस में होता है, और जिस केसेस में होता है उस केसेस में मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कितने भी केसेस ले लो, केस सॉल्व हुए हैं। तो उम्मीद तब तक जारी है इंसाफ होने की जब तक मीडिया बात करती रहेगी, जब तक मीडिया आती रहेगी, भले गैप में आए, नए नए सबूत लेके आए, तब तक इस केस में हो सकता है पूरी तरह चांसेस है कि न्याय इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को मिले। चलो मैं बात करता हूँ। पहले आपको पता है रूप कुमार शाह आए, हालांकि आज के दिन में बहुत कुछ चल रहा है, ये रूप कुमार शाह आए, उसके बाद और एक गवाह सामने आए, और इसके बाद कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें वैसे बताई मीडिया में बिना आते। मीडिया में तो चलो बिना डरे लोग आ जाते हैं कि चलो मैं नहीं डरना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ ताकि दुनिया को भी पता चले। तो मीडिया और डायरेक्ट सबूत किसी सीबीआई को देना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सुशांत सिंह राजपूत के लिए केस के लिए हेल्पफुल है, लेकिन सीबीआई के पास डायरेक्ट जाना मतलब एविडेंस देना, लेकिन वो सीबीआई के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती चीज, वो किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती, वो दबा दिया जा सकती है केस, वो एविडेंस दबा दिए जा सकते हैं, इसके भी चांसेस है। क्योंकि आपको पता है मैं इस देश की सरकार हो या फिर इस देश की एजेंसी हो, विश्वास तब किया जाता है जब हमें विश्वास का कुछ दिखाया जाए, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक कुछ दिखाया नहीं विश्वास के लिए। सीबीआई ने इंसाफ तो सुशांत के साथ किया नहीं है, तो जब सुशांत के साथ इंसाफ करेंगे तब मैं ऑफकोर्स भरोसा करूंगा सीबीआई के ऊपर। लेकिन अब वो एजेंसीज को बहुत सारे लोगों ने एविडेंस दिए, और मैं उनको कहना चाहता हूं अगर और भी कोई एविडेंस देने जा रहा है तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट आप लिखते हैं, उसकी एक कॉपी लेके आइए जरूर, उसकी एक कॉपी आप अपने पास जरूर रखिएगा, वो बहुत जरूरी है, बाद में आपको काम आएगी। दूसरी चीज ये है कि जो लोग मीडिया में आ रहे, मीडिया में आने की वजह से दो चीजों की प्रॉफिट होती है, उनको सीबीआई बुलाती है, फिर सीबीआई उनसे पूछती है, स्टेटमेंट लेती है, वो तो हेल्प होती है। मीडिया में आने की वजह से लोगों को विश्वास होता है, लोग ज्यादा जागते हैं, और लोग फिर बातें करने चालू करते हैं, और लोग फिर सीबीआई के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और नेता के ऊपर भी होता है, क्योंकि नेताओं का सारा काम तो मीडिया से ही चलना है, जनता से ही चलना है, क्योंकि मीडिया में आएगी तो जनता को पता चलेगा, जनता को पता चलेगा तो फिर उनको वोट मिलेंगे। ये सारे सिक्वेंस में बहुत बार बात कर चुका हूँ, आज मैं बताऊंगा कैसे इतने सारे सबूत और ये करने के बाद कैसे सीबीआई ने चालू कर दिया इंक्वायरी। कैसे तीन बॉलीवुड के लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, और कुछ लोगों के घर पे गई है, ऑफकोर्स बड़े नाम है, बहुत स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला होगा, जिनकी वजह से कुछ लोगों के घर पे गई है, और जिनके पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है उनको बुलाया गया है, समन भेजा जाता है कि भाई आजा आजा, एविडेंस वालों को रिक्वेस्ट की जाती है, जिनके पास एविडेंस है उनके पास एजेंसी रिक्वेस्ट करती है, सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए इस केस के लिए, जो सस्पेक्ट होते हैं या जिनको पता इनके पास एविडेंस ज्यादा होते हैं उनको बोलता है बेटा आजा जल्दी वरना गिरफ्तारी हो जाएगी, और जिसके पास थोड़ा सा डाउट या संशय होता है उनको जाके ये पूछते हैं। तो उनमें से एक बॉलीवुड वालों को तो जल्दी घर बुला लिया है उन्होंने, दो बॉलीवुड वालों की इन्वेस्टिगेशन किया है, एक इंडस्ट्रीज वालों को उन्होंने पर्टिकुलरली आगे से समन भेज दिया है, अब वो जल्दी पहुंचेगा क्योंकि वो यहाँ नहीं है, और नेता जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बारे में किया जा रहा है, और फिर चालू करेंगे इसके बारे में अंदर का इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, क्योंकि थोड़े से देखो बहुत बड़ा पावरफुल इंसान होता है ना तो एविडेंस भी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके घर पे जाने के लिए भी, और जब जाएंगी तो मुझे लगता है मीडिया ने ना काफी स्टोर मोहर लगाया होगा, क्योंकि मीडिया को मुझे नहीं लगता है ये बात मीडिया को बतानी होगी,
मीडिया को पता होगी और मीडिया तैयार होगी कि जब भाई साहब इधर आएंगे तो तामझाम करके रखेंगे और फिर वो इस पे इंक्वायरी की है, इसने इसके घर पे गया है, नेता के घर पे गया है और ECBI ने इंक्वायरी कर दी है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने आस लगा के रखिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जरूरी है कि ऐसे माहौल जब गर्म होता है तब लोगों तक ये बात पहुंचे ताकि लोग स्ट्रांग होके सुशांत सिंह राजपूत की डिमांड करते रहे और इस केस को जब तक सॉल्व नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि ऐसे जब जब आपके पास जो भी है बोलते रहे, क्योंकि इंडियन न्यूज इंडिया के जितनी भी एजेंसी और जितनी भी चीजें हैं उनमें से इंडियन न्यूज मीडिया पे मुझे विश्वास है और ये सही अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच।